हेलो दोस्तों, मैं हूं शार्क और मैं आज आपके सामने फिर एक नया इफ़ेक्ट के साथ हाज़िर हुआ हूं। चलिए देखते हैं कौन सा है वो इफ़ेक्ट। स्टार्ट करते हैं। माय कंप्यूटर एंड प्रीमियर प्रो। यह हमारा प्रीमियर प्रो स्टार्ट हो रहा है। प्रीमियर प्रो स्टार्ट होने में अभी टाइम लगेगा, तो हम एक चीज़ और डिस्कस कर लें कि कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें कोई अपनी वीडियो बनानी है या कोई वीडियो में टेक्स्ट इनपुट करना है, तो कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूबर्स मुझे कमेंट करते हैं या क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि सर हम अपनी वीडियो में, हम अपनी क्रिएशंस में कुछ टैगलाइंस इनपुट कराना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करते हैं। सबसे पहले यह हमारी एक ब्लैंक विंडो है, इसमें हम कोई भी किसी भी तरह का कोई अदर वीडियो या कुछ ऐसा इनपुट अभी नहीं कराते हैं। हम डायरेक्टली अभी एक सिंपल सा टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देखिए वो कैसे क्रिएट होता है। यहाँ नॉर्मल क्लिक किया, उसके बाद हम जाते हैं टाइटल पे। टाइटल पे ये आपको दिखाई दे रहा है न्यू टाइटल। डिफ़ॉल्ट स्टिल पे हम क्लिक करते हैं। डिफ़ॉल्ट स्टिल पे क्लिक किया तो हमारी ये जो विंडो साइज़ है वो आ रही है लिख के, और हमारा फ्रेम पर सेकेंड लिख के आ रहा है। हम DV NTSC में क्रिएट कर रहे हैं और टाइटल है वन। टाइटल वन इसलिए ये डिफ़ॉल्ट नाम दे रहा है क्योंकि ये इस वीडियो का पहला टेक्स है, इसलिए ठीक है। हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसी विंडो आ जाती है। ये विंडो मेनली हमारी टाइटल विंडो है, जिसमें हम यहाँ से कुछ टाइटल इनपुट कर सकते हैं। यह हमारा सिलेक्शन टूल है, रोटेशन टूल, पेन टूल, पेन कर्व टूल, और ये सारे शेप्स। और यहाँ पे देखिए हमारे पास कई तरह के डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट दिए हैं कि अगर हम सपोज दैट जैसे कोई चीज़ लिखते हैं, मैंने लिखा SHAKESHA, ठीक है। तो ये देखिए हमें एक डिफ़ॉल्ट टेक्स मिल गया जो यहाँ कहीं पे शायद है, और देखते हैं। ये देखिए ये हमें डिफ़ॉल्ट टेक्स मिल रहे हैं हमारे पास। हमारी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग बहुत से ऐसे डिफ़ॉल्ट टेक्स मिल जाते हैं। ये देखिए ये अलग अलग टाइप के टेक्स स्टाइल हैं जो हमें इसमें बाय डिफ़ॉल्ट प्री इंस्टॉल मिलते हैं। अगर सपोज दैट कि हमें इनमें कोई चेंजेस करने हुए तो उसके ऑप्शन भी हमें यहाँ पे साइड में मिल जाते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओपेसिटी, पोजीशन, विड्थ, हाइट, रोटेशन, और तमाम चीज़ें हैं, ट्रैकिंग है, बोल्डनेस है, स्पिन है, लॉट ऑफ थिंग्स, कलर है, सॉलिड कलर है, ग्रेडियंट्स हैं, बेवल है, एम्बॉस है, एंड मैनी स्ट्रोक्स भी हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी टाइप के स्ट्रोक्स हैं जो आप इसमें इनपुट करा सकते हैं। बहरहाल हम बिगनर्स के लिए अभी सिर्फ इतना करते हैं कि मैंने एक टेक्स्ट लिखा और उनमें जो हमारे डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट हैं वो इनपुट करा दिए। इनपुट कराने के बाद हम इसे अभी यहीं पर छोड़ते हैं। आगे मैं वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा, हमने शार्क लिखा और इसे कट कर दिया। यहाँ पर ऑलरेडी एक टाइटल 01 जो पहले था नाम, वो क्रिएट हो गया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे उठा के टाइमलाइन पर लाते हैं। जैसे ही हम टाइमलाइन पर लाते हैं तो देखिए हमारी आउटपुट विंडो में शार्क ऑलरेडी लिख कर आ गया है। ये देखिए ठीक है, इसे हम रिसाइज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
अभी एक्चुअल में मुझे इसे लिटिल बिट बहुत छोटा सा एक एनिमेशन दे के देखना है कि ये परफेक्ट काम करता है या नहीं। तो चलिए उस पर स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम सपोज दैट इसे मिड में रखते हैं, हमने इसे यहाँ पर टाइमलाइन पे जो हमने टाइटल इंपोर्ट किया था उसे क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं और एफेक्ट कंट्रोलर में जाते हैं। तो देखिए हमें क्या क्या मिल रहा है। एफेक्ट कंट्रोलर में मोमेंट्स मिल रहे हैं, मोमेंट मिल रहा है, ओपेसिटी मिल रही है एंड टाइम रिपलिंग मिल रही है। ठीक है, अब इसके बाद सपोज दैट हमें इसे बहुत छोटा सा एक एनिमेशन देना है, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम ये जो स्टॉप वॉच है, यहाँ पे जो स्टॉप वॉच दिखाई दे रही है, इन सारी स्टॉप वॉच को ऑन कर लेंगे। जब ये ऑफ होती है तो स्टॉप वॉच में कोई लाइन नहीं होती, लेकिन जब ये ऑन होती है तो जस्ट लाइक स्टॉप वॉच एक लाइन छोटी सी बन जाती है, जिससे हमें ये सिंबल, ये इंडिकेशन हो जाता है कि ये ऑन हो चुकी है। अब जैसे ही मैंने स्टॉप वॉच ऑन की, देखिए कि यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं। ये सिलेक्शन हुआ है और एक सेंटर ऑफ द ग्रेविटी मिडल पॉइंट आ गया है। अब हम क्या करते हैं, हमें एनिमेशन देना है तो इसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जब इसे स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेचिंग की कोई बाउंडेशन नहीं होती, आप इसे कितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं। वीडियो में अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो शायद वीडियो कट जाती है या छोटी बड़ी हो जाती है, लेकिन हमें टेक्स्ट में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। हम इसे छोटा करें या बड़ा करें, ये नॉर्मल ही रहता है जो टैक्स आपने इनपुट कराया है। अब हम यहाँ पे आए, यहाँ से तो ऑलरेडी हमने ये सारे स्टॉप वॉच ऑन कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक ऑप्शन होता है जिसे की बोलते हैं, की फ्रेम बोलते हैं, इसे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा की फ्रेम बन गया है। इस की फ्रेम को बनने के साथ हम इसे यहीं पर छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर एक की फ्रेम लगाते हैं। याद रखिएगा, हमें फर्स्ट की फ्रेम में कोई भी काम नहीं करना है, उसे वैसे ही लगाए रहना देना है और दूसरे की फ्रेम में काम करेंगे। अब यहाँ तक हमने सारे की फ्रेम्स ऑन कर दिए हैं, तो हम इसे डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर ड्रैग करके देखते हैं। जब हमारी ये लाइन आ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो एनिमेशन है वो परफेक्ट है, हमारे एनिमेशन में कोई गलती नहीं है, तभी ये लाइन क्रिएट होती है, वरना ये लाइन क्रिएट नहीं होती है। देखिए मैं इस एनिमेशन को मैं इस टेक्स्ट को एनिमेट कर रहा हूँ सॉरी मैं इस टेक्स्ट को एनिमेट कर रहा हूँ और की फ्रेम ऑन और मैं कंटिन्यू से एनिमेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आते हैं तो ये छोटा सा हमने एनिमेशन दिया। अब इसे मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पर एक की लगा के ऑन करके इसे यहाँ पर ड्रैग करके इसे बड़ा कर दूँ। ये काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस एंड इनका पॉइंट कहाँ से कहाँ तक लाना है, क्या करना है, ये हमारा रोटेशन, ये हम सब कुछ, ये देखिए हमारी ओपोजिट, सब कुछ पे काम कर सकते हैं। और इसके बाद हम एक बार इसे रन करके देख लेते हैं क्या वो सही काम किया है या नहीं। तो स्पेस बार से रन होता है और मैंने स्टार्ट कर दिया। ये देखिए हमारा एक छोटा सा टेक्सचर एनिमेशन प्रॉपर वर्क कर रहा है। मैंने इसे काफ़ी स्लो बनाया है क्योंकि मुझे बिगनर्स की काफ़ी शिकायतें मिलती हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो मैंने इसे बहुत स्लो बनाया है, एक एक स्टेप को क्लियर किया है, क्या है, कहाँ से है, कैसा है, कौन सी की फ्रेम कहाँ से लगनी है, क्या करना है, मोशन कहाँ से देना है, की फ्रेम कहाँ से लगानी है, टैग क्या करना है, स्केलिंग करनी है, पोजिशनिंग करनी है, रोटेशन करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी देखिए जब एनिमेट हो रहा है तो सारी चीज़ें वो चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एनिमेशन है वो परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है,
तो ये रहा दोस्तों हमारा छोटा सा बहुत ही प्यारा सा टेक्स एनिमेशन इफेक्ट। तो दोस्तों ये आपको लगभग बहुत अच्छी तरह से समझ में ही आ गया होगा। तो मैं कल फिर टेक्स इफेक्ट का ही दूसरा हिस्सा क्लियर करूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, शब खैर एंड गुड नाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं डेली ऐसे ही नए नए बिगनर इफेक्ट्स के साथ और हाइब्रिड इफेक्ट्स के साथ मैं आने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। तो नए नए इफेक्ट्स और नई प्लगइन्स, नए प्रीसेट्स, इनको लेके मैं आने वाला हूँ। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनका यूज़ कीजिए। गुड नाइट दोस्तों, बाय।